हेलो हेलो, इट्स अनदर डे और आज हम जाएंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाने से पहले हम खाएंगे पेशावरी कबाब, बट उससे पहले रियल टाइम में लुक एट दिस, स्नोवी मुझसे नाराज हैं। स्नोबेल, आपका स्पीकर ऑन हुआ है? जी, ऑन है। ऑन है। हाय स्नोबेल, जानू स्नोवी। No lift, Snowy. Hello, hello. It is Thursday and welcome to another vlog, guys. आज हम चेकआउट करने लगे हैं पेशावर से। अभी मैं सारा चेकआउट का सामान रेडी करूँगी एंड देन आई विल गो टू दिस इवेंट कॉलेज में। वहीं से हम स्ट्रेट निकल जाएंगे इस्लामाबाद के लिए बाई रोड। आई थिंक वी शुड बी देयर इन लाइक मैक्स 3 आवर्स, मगर रुकते रुकते जाएंगे, खाना खाते हुए जाएंगे। एंड जब मैं आबिद के साथ कहीं जाती हूँ तो बीच में रुकती नहीं हूँ, बट आई एम एक्चुअली हैप्पी कि हो सकता है 3 घंटे के ड्यूरेशन में हम कहीं रुके। एंड ऑल्सो प्लान के मुताबिक से पहले हम पेशावर के चपली कबाब खाएंगे। मुझे रील बनानी है, मुझे चपली कबाब खाना है और उसके बाद फिर हम जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन इवेंट है फ्राइडे को। सो या दैट्स द प्लान। रूम अभी पूरा बिखरा हुआ है, जल्दी से मुझे चेकआउट के लिए सामान डंप करना है। यूजली जब मैं पैकिंग करती हूँ मैं बहुत तरीके से करती हूँ, बट इस तरह से रोड ट्रैवल्स में आई जस्ट डंप थिंग्स एंड वो जो फाइनल पैकिंग होगी वो बिल्कुल जाते हुए होगी वापसी कराची, जो कि बहुत दूर है। सो या आई विल कीप यू गाइज विद मी ड्यूरिंग माई ट्रिप। सो रोड ट्रिप के लिए ये बैग तो मैंने ऐसे ही बंद कर लिया है, इसमें सारी चीज़ें नहीं हैं। ये मेरे धुलने वाले कपड़े हैं, एक में मेरे शूज़ हैं और एक में मेरे शेफ कोर्स हैं। सो द फन थिंग इज़ अभी तो ये बैग बहुत ही आसानी से बंद हो गया है, मगर जब हम जाएंगे वापस कराची तो इस बैग में ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, आई हैव नो आइडिया। मेरे भाई हमें बता रहे हैं कि जलील कबाब हाउस भी है चपली कबाब के लिए, लेकिन और भी जो रास्ते में जगह आ रही हैं वो हमें बता रहे हैं कि बहुत सारी मुख्तलिफ जगह हैं चपली कबाब के लिए जो फेमस हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे इवेंट के लिए, उसके बाद हम पेशावर के चपली कबाब खाएँगे। आई विल मेक अ रील फॉर यू गाइस और उसके बाद हम चले जाएंगे इस्लामाबाद। यहाँ कभी क्या बोलते हैं इसको, कबाब की रोड? अच्छा, कबाब की रोड ये है जी, कबाब की रोड पेशावर की। कबाब के लिए मशहूर है ये रोड। सफेद मार्बल से यहाँ से जाते हैं। जो दूसरे कबाब आप बता रहे हैं उसका नाम क्या है जो पेशावरी कबाब नहीं है? वो भी पेशावरी, सारे पेशावरी कबाब होते हैं। अच्छा, नाम अलग अलग है। आपने जो हम नहीं खा रहे उसका नाम क्या है? हम तो जलील जा रहे हैं ना, सेजान कबाबी। सेजान कबाबी, सेजान कबाबी, सेजान कबाबी। ओके, सारे कबाबी हैं। तो तोरा कबाब है ना, तोरे कबाब, वो तोरे भी आपने बोला, वो भी मैं आपको बताया था, वो भी बताया, खा चुका हूँ। मुझे जलील का अच्छा लगा, अच्छा अच्छा। बस फिर हम जलील ही खा रहे हैं। नहीं जलील, हमें लगा था ट्रेन आएगी और हम देखेंगे शौक से, अब आगे देखें हमारे साथ हुआ क्या है।
ठीक है। ओह खुदा पहाड़ हम आ गए फाइनली चपली कबाब खाने जलील के गुलबहार में है। हम आ गए जलील कबाब और अभी मैं इंस्टाग्राम के लिए आप लोग के लिए रील भी बनाऊंगी। यहाँ पे हमने तो कबाब टिक्के भी हैं मगर हम खाएंगे चपली कबाब जो कि यहाँ के बहुत आजकल मैं काफ़ी कॉन्शियस हो गई हूँ कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, घी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। आई वांट टू से गुड बाय टू ऑयल मगर अब कंप्लीटली तो नहीं हो सकता। और फिर आप पेशावर आए और आपने चपली कबाब नहीं खाए तो फिर आपने क्या किया जिंदगी में ना। तो आई थॉट कि मुझे तो खाने हैं। अच्छा ये अंडे उन्होंने तोड़ के डाले हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि अंडों का क्या सीन हुआ है और ये अंडे किस तरह से इसके ऊपर आएंगे। मैंने बहुत गौर से देखने की कोशिश की वीडियो बनाते बनाते, मुझे समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि अंडे जो अलग से मैंने स्टैम्पल करके रखे हैं वो इसके अंदर नहीं है ऊपर ये देख लीजिए जो अंडे है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से चपली कबाब के ऊपर आए। आई थिंक ये किसी और के लिए कर रहे थे फायर। मुझे आप लोगों के लिए रील बनानी थी जलील पेशावरी कबाब की और गुलबहार एक जगह है यहाँ पे हम आए हुए हैं। हमें इतनी मुश्किल से ये पेशावरी कबाब मिले हैं ना, यू हैव नो आइडिया। लेट मी टेल यू द एंटायर स्टोरी। पूरी कहानी ये है गाइस कि जब से हम पेशावर आए हैं 4 दिन हो गए हैं मगर किसी दिन हमें ड्राई फ्रूट लेने जाना होता था, किसी दिन हम पहुंचे होते थे, फॉर डिफरेंट रीजंस हम पेशावरी कबाब नहीं खा पा रहे थे। और कल मुझे खाने थे और गोश्त का नागा वाला कोई दिन होता है, देयर आर सम डेज जिसमें गोश्त नहीं मिलता। अच्छा अब आज हमें पेशावर से निकलना है इस्लामाबाद के लिए बाय रोड एंड वी वर लाइक आज तो हमें चपली कबाब खाने ही खाने हैं। लाइक मुझे खाने थे, बाकी सब लोगों ने तो ऑफकोर्स खाए हुए हैं। एंड जो ड्राइवर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू हैव, लाइक आपको ऑथेंटिक खाने हैं, आपको एक फैंसी जगह के खाने हैं, साफ सुथरा, क्या लाइक आपकी क्या प्रायोरिटी है। मैंने कहा भाई मुझे खानी ऑथेंटिक चीज़ ताकि मैं कन्विक्शन के साथ बोल सकूं कि मैंने पेशावरी कबाब खाए हैं चपली कबाब। तो हमने आना था जलील कबाब हाउस पे। आई ऑल्सो आस्क्ड यू गाइस कि कहाँ के खाऊं तो आप लोगों ने बोला जलील के। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनकी कोई 2 ब्रांचेस हैं, एक जो बहुत दूर है यहाँ से हमें बहुत लेट हो जाएगा और एक बंद हो गई है, 3 हैं एक्चुअली ब्रांचेस, और तीसरी जो है यहाँ पे इट्स नॉट अ वेरी फ्रेंडली प्लेस फॉर फैमिली। तो गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ, मैं अपने कबाब गाड़ी में खाऊंगी चपली कबाब। और मुझे वीडियो बनानी थी बाहर जाके, वीडियो मैं बना के आ गई हूँ रील के लिए जो कि आपने देखी होगी और उसकी वजह से आप आए होंगे मेरे अभी इस व्लॉग पे। और बस अब मैं पेशावरी कबाब खाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि क्या है ऐसा खास है चपली कबाब में पेशावर के जलील के जिसके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं। और स्कार्फ मैंने पहन लिया है ताकि ज़रा मैं थोड़ा सेफ सेफ फील करूँ। क्या ही लग रही हूँ मैं स्कार्फ में, लाइक दिस लटिंग गोइंग ऑन। बट एनीवे कबाब आने का वेट है एंड देन आई विल शेयर माय फीडबैक। जी ले आए ले आए ले, शुक्रिया थैंक यू। ये आ गई रोटी और ये आ गया कबाब। सबसे पहले मैंने सोचा मैं ब्यूटी शॉट्स बनाऊं आप लोगों के लिए, ज़रा गौर से जूम करके दिखाऊं। इतना गरम गरम ये कबाब आया था, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची अंदर से सॉफ्ट था। एंड अब ब्यूटी शॉट्स हो गए हैं तो अब हम इसको खा के देखते हैं रोटी के साथ। आई डिडंट वांट टू हैव इट विद रोटी बट अब उन्होंने दे दी और मैंने कहा ये सही तरीका है तो ज़रा रोटी के साथ ट्राई करते हैं। आवाज़ सुने यार, आवाज़ सुने क्रंच की। ये धुआं चेक करें आप, इट्स सो गुड गाइस। द टेक्सचर जबरदस्त क्रंच है, अंदर से बिल्कुल है ही नहीं। सो गुड सो गुड। अरे क्या कबाब है, ओ हो 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 बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए ये मैंने तोड़ा कबाब, इतना अंदर से सॉफ्ट है। ऊपर से कड़क, वेरी गुड कबाब। सही हाइप है इसकी, बिल्कुल सही हाइप है।
लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर करती हैं, ख़ास जगह जाके उस जगह का कुछ स्पेशल खाना, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दैट एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद समवन। लाइफ इज़ लवली एंड सो इज़ दिस चपली कबाब। ये जगह है जलील कबाब हाउस गुलबहार में, और अब हम जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं आज हम। वहाँ पे हम स्टे करेंगे फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम, एंड यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपको फील ही नहीं होता। और मैं तो फुल टाइम सॉन्ग सुनते हुए जा रही होती हूँ, DDLJ के स्पेशली, एंड दिस ग्रीनरी इज लवली। आई थिंक आई शुड सी यू गाइज अराउंड इन अनदर व्लॉग। एंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार अभी नहीं भी करें तो चलेगा, बिकॉज I'm just making vlogs anyway.